श्री महाकाल। और लक्ष्मी मैया के बिना हमारी ये बैठक अधूरी हो जाती। आप सब हमारी अपनी तीनों माता, हमारी संस्कृति की विशेषता है। बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, पूंजी की देवी माँ लक्ष्मी और शक्ति सामर्थ्य की देवी जगदम्बा। दुनिया के कई देश आगे बढ़ना सब चाहते हैं, आगे उनकी अपनी भावना है, लेकिन उनकी कुछ कठिनाइयाँ भी। उनकी कठिनाइयाँ सबसे बड़ी यही, बोलने के लिए बताने के लिए हमारे सामने विषय रखेंगे हम, महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं करते, बराबरी पे लाना चाहते। और अगर अंदर जाके देखो तो इतना गैप है, हमसे ज़्यादा दक्यानुषी है, हमसे ज़्यादा छोटे मन के हैं। बताते क्या है, हे क्या है, चालाकी से बात करते हैं। इसलिए मुझे इस बात में कभी कभी झांसी की रानी का जो युद्ध ध्यान में आता है, रानी अवंतीबाई का जो युद्ध आता है, जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हम सबके लिए देश की स्वतंत्रता के साथ तो है ही, लेकिन अगर उद्यमियों के बीच में बोलना चाहूँगा तो ये अंग्रेज देश पे कब्जा करने, व्यापार करने आए थे, तो अब व्यापार करते करते हमारे सारे उद्यमियों का गला घोट करके उनने कब्जा कर लिया देश के ऊपर। तो आप बताइए सच्चे अर्थों में वो लड़ाई काय की थी, उद्यमशीलता की थी ना, कि हमारे हाथ काट करके अंगूठे के हमारी ढाका की मलमल को छीनने का काम जिनने किया, उनसे लड़ने वाली महारानी झांसी है कि नहीं, हमको ये आनंद है, इसकी बधाई होना चाहिए, आप सबको बधाई देना चाहते। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता के साथ उद्यमशीलता की लड़ाई थी, वो एक ऐसा संघर्ष था। और उनका नहीं, अभी हस्तकरघा की बहनें हमारे बीच में आई, चंदेरी की माहेश्वरी साड़ी महेश्वर से। अब आप बताइए 300वें जयंती वर्ष चल रहा है अहिल्याबाई का, और एक शासिका अपने छोटे से राज्य में शासन कितना छोटा सा कर रहा है। मैं ये सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि हम अगर उद्यमिताओं के बीच में बैठे हैं, हमारी अपनी सेल्फ डिपेंड बहनें जो अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय करते हुए घर परिवार को चलाते हुए समाज में अगर प्रतिष्ठा हासिल कर रही है, तो उनके सामने ये रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, उनके ये इतिहास तो होना ही चाहिए। हमारी अपनी अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, और उनने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से आने वाली अहिल्या माता, कठिनाई के दौर में उनसे ज़्यादा कठिनाई कौन महसूस करेगा। जो वैवाहिक जीवन का सुख देखना चाहिए, कुछ दिन में पति नहीं रहे, बेटा था बेटा भी नहीं रहा, ससुर की छाया में पूरा राज्य खड़ा हुआ, होलकर राज्य मल्हार राव होलकर के समय, वो भी नहीं रहे, ना बेटा ना बहू ना ससुर ना पति, अकेली एक विधवा महिला। और उस विधवा महिला ने अपने शासनकाल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो भूतों न भविष्यति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान। ऐसी मुगल सत्ता जिसने अपने सारे सनातन धर्म के मंदिर ध्वस्त कर दिए, जिससे लड़ने का कोई भी बड़ा शासक हिम्मत नहीं कर रहा है, सब तलवार ढाल करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसे में वो अपनी शासिका महिला 5 जिलों के छोटे से राज्य से अपने हिम्मत के भरोसे से अभी विश्वनाथ मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनने अपने पैसों से उस सत्ता के सामने करके दिखाई। ये अपनी भारतीय पराक्रम और पुरुषार्थ का और उनकी उद्यमशीलता की। उनका ही नहीं, सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर में, हर स्थान पर अपने देवस्थान को। और इतना ही नहीं, जो पूजा पाठ करने जा रहा है, अन्न क्षेत्र का संचालन करने का काम दे रहे, नदी के किनारे, गंगा के किनारे बनारस के घाट से लगा करके उज्जैन के सिद्धवट घाट तक ये घाटों का निर्माण अगर उनने कराया, तो
तो अपनी आय के साधन के साथ अपनी प्रजा की चिंता करते हुए उनके जो उदाहरण है यह हम सबका आपका सबका आज के लिए पाथे है, हमारे लिए मार्गदर्शन है कि हम अपने संचालन से अपनी उद्यमशीलता से धन अर्जित भी करें और धन को संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी समाज के हितेशी काम अन्य क्षेत्र सभी समाजों के लिए और रोजगार के साधन। उस काल में हस्तकरघा कपास होता था काटन का, उस कपास के आधार पर बहनों से माहेश्वरी साड़ी, ये जो अपने जो जिसकी जैसी लाइन बनती। आज भी अपने में से कोई उद्यमशीलता आप करके आ रहे हो तो बता करके हमको ये हिम्मत दिलाना पड़ती कि हमारी बहनें भी उद्यमशीलता कर रही है। समाज की दृष्टि आज भी डबल माइंड है, व्यापार व्यवसाय करने के लिए पुरुष आधारित संस्कृति देखती है, तो पुरुष आधारित संस्कृति ये अलग प्रकार की बात है। ये संस्कृति हमारी तो पहले से ही रही है। मैं अभी 500 साल पहले रानी दुर्गावती का उदाहरण सुना के आया था एक जगह पर। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 50 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये रानी दुर्गावती का गोंडवाना का इतिहास है। और उनका नहीं, हमारे यहाँ तो रानी चन्नम्मा मद्रास से चल के आती है, एक से बढ़कर एक उदाहरण है। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम से ये सारे गौरवशाली पृष्ठ हटा दिए, इसलिए समाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। ये चालाकी अंग्रेजों ने की थी, दुर्भाग्य से बाद की सरकारों ने भी ये इस पे चढ़ी हुई धूल को हटाने का काम नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने कहा कि ये जो उत्सव भी हमारे मनते थे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिरों के अंदर भगवान के मंदिर केवल वो गर्भगृह वाला हिस्सा है भगवान का 10x10 का। आप महाकाल के अंदर जाओगे, महाकाल का लगभग 200 बीघा का बेल्ट है, पूरा परिसर है, लेकिन उसमें भगवान महाकाल का तो 15x15 का गर्भगृह है, लेकिन मंदिर की जो रचना बनती है उसका जो सभा मंडप बनता है एक तरह से वो रंगमंच के रूप में काम आता है। अपनी सभी कला संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अरे अपने समाज के कई लड़ाई झगड़े हो तो उसको हल करने के लिए भी देवस्थान की जगह लगती थी, लेकिन काल के प्रभाव में इन पे सब पे इनकी दृष्टि ओझल होते, मंदिर को केवल पूजा पाठ का स्थान मान लिया कि केवल दर्शन करना वापस आना। दर्शन करना अपनी जगह है, लेकिन दर्शन के साथ साथ जीवनता का जहाँ से प्रेरणा मिल जाए वो देवस्थान हमारे हैं। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारे देवता पीछे हैं, देवियाँ आगे, इसलिए सीताराम राधे कृष्ण बहनों का जो आनंद है वो कहाँ जाएगा, ये किससे छिपा है। और कदम कदम पर ऐसे सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन उदाहरणों से अपनी संस्कृति की पताका सदैव लहलहाती है। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने मंत्रालय के माध्यम से हमारी सरकार बनी, हमने कहा बिल्कुल हमारी बहनों को महत्व मिलना चाहिए। पहले तो आभार मान लो नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके। हमारी सरकार लगभग 20 साल से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में देती थी, नगर निगम, नगर पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, अन्य सोसाइटियां 50%, पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और बड़ा काम किया, अब तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों के साथ मिलकर के ये जो त्यौहार मनाने का हमने सिलसिला प्रारंभ किया, त्यौहार तो अपने वैसे 19 तारीख का, लेकिन सारे महीनों में सावन का महीना ऐसा लगता सभी मास का एक राजा रहा है, राजा महीना है सावन। उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और अपनी बादल से बरसने वाली बूंदे अपने भाई को प्रेम का स्नेह लगाती, लेपन लगाती है, वो जो आनंद आता है आपके माध्यम से दोनों कुल तरते हैं, ससुराल पक्ष भी और मायका भी। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने MSME का जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है, हमने सारी खिड़की बंद कर दी, आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए, इसीलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे। बहुत सारी योजना लेकर आया है, थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ।
लेकिन बहने हैं तो माफ भी करेगी, आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये दो धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है, इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए, भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे, अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए, इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं। क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर ज़रा तकलीफ आती है तो नज़दीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझाव पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।